हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। सरगम म्यूजिक जॉन चैनल में फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। दोस्तों, आशा करता हूं परमात्मा का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये लेसन नए वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ। तो आज का लेसन है दोस्तों, हम अपने स्वरों को कैसे पक्का करें। आज का ये जो खास इम्पोर्टेंट लेसन है वो है कि हम अपने स्वरों को पक्का कैसे करें, सुर कैसे लगाएं। हमें 7 सुर होते हैं, तो उन स्वरों को हमें पक्का करने के लिए कौन सा अभ्यास करना होता है या कौन सा अभ्यास करना चाहिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक ट्रिक्स बताने वाला हूं, एक अभ्यास बताने वाला हूं। आशा करता हूं आप लोग ज़रूर करेंगे इस अभ्यास को। और दोस्तों, गुजारिश करूंगा, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं लेसन को। तो दोस्तों, आज हम आपको मंद्र सप्तक के पा से, मंद्र सप्तक से, सप्तक के पा से पा को शाह मानते हुए अभ्यास करेंगे। तो वो कौन सा अभ्यास है, सा रे गा मा, याद कीजिए 4th नंबर का अलंकार। ठीक है दोस्तों, सा रे गा मा भारतीय शास्त्रीय संगीत का 4th नंबर का अलंकार, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। तो आज हम सीखेंगे मंद्र सप्तक के पा से और हम जाएंगे तार सप्तक के सा तक। ठीक है, तो क्या करेंगे इस अभ्यास में, प्रत्येक स्वर को हमें क्या करना है, प्रत्येक स्वर को सा मानते हुए सा रे गा मा पा 4 स्वरों का पेयर बनाना है, 4 स्वरों का जोड़ा बनाना है और प्रत्येक स्वर को सा मानते हुए अभ्यास करना है, 4 स्वरों के पैटर्न को। ठीक है, देखिए सा रे गा मा, ठीक है, फिर सा रे गा मा, सा रे गा मा, ठीक है, सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा। ठीक है, इस तरह से जो है इसका अभ्यास करना है। तो क्या किया हमने, 4 स्वरों का पेयर बनाया और 4th अलंकार को फॉलो किया। तो मंद्र सप्तक के पास है, यानी कि मिडिल ऑक्टेव, नीचे लोअर और ऊपर हायर। ठीक है, तो कैसे, सा रे गा मा और प्रत्येक स्वर को सा मानकर आरोह में चलेंगे, तो एक एक स्वर ऊपर बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और अलंकार वही रहेगा बट एक एक स्वर ऊपर बढ़ाते जाएंगे और प्रत्येक स्वर को सा मानेंगे। तो कैसे, देखिए सा रे गा मा, 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 सा रे गा मा। ठीक है, औरों में भी वैसे ही वापस आएंगे, तो कैसे, सा रे गा मा, सा रे गा मा, देखिए सा रे गा मा, 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 सा रे गा मा। ठीक है, इस तरह से इसका अभ्यास करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा और इससे क्या होगा, आपके जो है स्वर अच्छे से लगने लगेंगे, आप सुर में आ जाएंगे, आपके, आपको जो है सुरों का या फिर आपकी जो सरगम की प्रैक्टिस है या फिर जो आपके सुर हैं वो पक्के होने लगेंगे धीरे धीरे। तो आइए दोस्तों, इसको देखते हैं स्लोली स्लोली। देखिए सा रे गा मा, 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 सा रे गा मा। ठीक है, ये हो गया आरोह। औरों कैसे करेंगे, देखिए प्रत्येक स्वर को सा मानते हुए 4th अलंकार फॉलो करते हुए सारे गामा, सारे गामा। ठीक है, सारे गामा, सारे गामा, सारे गामा, सारे गामा, सारे गामा।
ठीक है, इस तरह से इस अलंकार का अभ्यास करना है। ठीक है, देखिए, सारे गामा 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 सारे सारे गामा सारे गामा सारे गामा सारे गामा सारे गामा सारे गामा। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो है स्लोली स्लोली इसका अभ्यास करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, इसी पैटर्न को आकार में करेंगे। ठीक है, आलाप में या फिर आकार में करेंगे। देखिए सरगम में पहले सारे गामा 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 सारे गामा। ठीक है, इस प्रकार से इस अलंकार का अभ्यास करना है। सारे गामा 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 सारे गामा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं तो इस प्रकार सारे गामा 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 सारे गामा। देखिए सारे गामा 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 सारे गामा। देखिए अगर हम आकार में करेंगे तो कैसे आ आ आ आ तो
इस प्रकार से आपको जो है आलाप में करना है, ठीक है। पहले सरगम में, उसके बाद आलाप में। देखिए, आ 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 आ, ठीक है। सारे गामा स्पीड बढ़ाएंगे तो इस प्रकार, सारे गामा तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा ये अभ्यास, जरूर अभ्यास करेंगे। और दोस्तों, आज के लेसन में हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगला लेसन आने तक दोस्तों, आप लोग जहाँ कहीं भी हों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें दोस्तों, खुश रहें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।